अजय सुनो जरा, कहाँ चली गए? अरे क्यों गला फाड़ रहे हो, क्या बात हो गई? बात यह है कि परसों तुम बहुत फुदक रही थी कि सरताज सर ने बताया है कि पत्नी को इंग्लिश में वाइफ के अलावा और क्या क्या बोलते हैं। कभी उन्होंने ये बताया कि पति को इंग्लिश में हस्बैंड के अलावा और क्या क्या बोलते हैं। अरे बेलन वो मारूंगी फेंक के, क्या कल ठिकाना आ जाएगी। कभी फैशन टीवी के बजाय सरताज सर की वीडियो भी देख लिया करो। चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं हस्बैंड वर्ड की जगह इस्तेमाल होने वाले पति के लिए कमाल कमाल के 12 यानी कि एक दर्जन इंग्लिश के वर्ड्स। एक एक एग्जांपल भी दूंगा, ध्यान से कॉपी पेन लेकर बैठ जाना, ठीक है। पहला वाला है हबी। हबी, अब ये तो आपने सुना ही होगा, देखने में भी ऐसा लगता है हबसी सा, सॉरी हबी। अब हबी का क्या मतलब होता है? हबी का मतलब हस्बैंड ही होता है, यानी आप अपने पति को हबी भी बोल सकती हैं। हस्बैंड को शॉर्ट में हबी बोलते हैं। और मैं तो पहले सोचता था अल हबीबी, ओए हस्बैंड ऐसा आ रहा है, अल हबीबी हबीबी करता हुआ, तो हबी बोल सकते हैं। अब जैसे आप कहना चाहती हैं मेरे पति आ रहे हैं, मेरे पति आ रहे हैं, तो आप बोल सकती, पहले वो आप बोलती थी माय हस्बैंड इज कमिंग, अब आप बोलिए माय हबी इज कमिंग, माय हबी इज कमिंग, और हबीबी आ रहा है ऐसा ऐसे ऐसे ऊंट पे, सही है। तो हबी हस्बैंड की जगह आप हबी बोलिए। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है मैन। मैन, अब वैसे तो मैन का मतलब आदमी होता है, लेकिन अगर एक पत्नी अपने पति को मैन बोले तो वहां पर मैन का मतलब होता है पति यानी कि हस्बैंड। अब आप ये हस्बैंड शब्द पुराना हो गया, आप उन्हें मैन कहकर भी पुकार सकती हैं। अब जैसे आपको कहना है मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो पहले आप क्या कहती थी माय हस्बैंड लव्स मी ए लॉट, अजीब सा लगता था। अब आप बोलिए माय मैन लव्स मी अ लॉट, मैन भी खुश, मैन भी बॉडी बिल्डर के भले उनका पेट निकल रहा मेरी तरह ऐसे हो जाएंगे, हम मैन हैं ऐसे हो जाएंगे। तो आप अपने हस्बैंड को मैन बोल सकती है, माय मैन इज कमिंग, मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, माय मैन इज लेट, वो लेट लेट हो गए आज, इस तरीके से, सही है मैन। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। पर भैया नेक्स्ट वाला है मेट। मेट, अब ये चटाई नहीं है, हस्बैंड कभी मेट के दो पीछे जाओ जाओ काम करो। मेट, मेट का मतलब वैसे तो होता है साथी, लेकिन अगर पत्नी अपने पति को मेट कहे तो उनका मतलब होता है जीवन साथी यानी कि उनके पति, उनके शोहर। आप अपने पति को हस्बैंड की जगह मेट भी बोल सकती हैं। जैसे आपको कहना है मेरे पति किचन में मेरी बहुत हेल्प कराते हैं, बहुत अच्छे बेचारे बर्तन धोएंगे, कपड़े धोएंगे, किचन में कपड़े खाना पकाएंगे और सब कुछ करेंगे, मैं बैठी रहती हूँ बस यूं ही ऐसी देखती रहती हूँ, बहुत हेल्प कराते, बड़े अच्छे, सही है। तो आपको कहना है मेरे पति किचन में मेरी बहुत हेल्प कराते हैं, तो आप पहले कहती थी माय हस्बैंड हेल्प्स मी इन द किचन की जगह अब आप बोलिए माय मेट हेल्प्स मी इन द किचन, माय मेट मेरे जो पति हैं, मेरे जो जीवन साथी हैं, हेल्प्स मी वो मदद करते हैं मेरी इन द किचन, किचन में, तो सही है। इस बार थोड़े कम बर्तन धुलवाना उनसे, उन्हें बोल देना मेट बर्तन कम धो वरना ना मेट कर दूंगी, जो भी है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। पर भैया नेक्स्ट वाला है स्पाउस। स्पाउस, मैंने आपको वो वाइफ के लिए यूज होने वाले वर्ड्स में भी ये बताया था कि वाइफ्स को भी स्पाउस कह सकते हैं, और वहीं बताया था कि हस्बैंड्स को भी स्पाउस कह सकते हैं। तो वाइफ बोले तो हस्बैंड उनके लिए स्पाउस, और हस्बैंड बोले तो वाइफ उनके लिए स्पाउस, तो इसलिए स्पाउस का मतलब हस्बैंड भी होता है। तो कहीं पर भी फॉर्म वॉर्म में लिखा हो स्पाउस, तो अगर औरत को भरना हो तो अपने स्पाउस के सामने हस्बैंड का नाम भरे, आदमी को भरना हो तो वो स्पाउस के सामने अपनी पत्नी का नाम भरे। फिलहाल यहां औरतों की बात हो रही है, तो यहां स्पाउस का मतलब है हस्बैंड। अब जैसे मुझे कहना है मेरे पति का नाम राहुल को, राहुल है, इस तरीके से कहना है, आप बताती होंगी अपने पति हस्बैंड का नाम, तो पहले आप कैसे कहते हैं माय हस्बैंड्स नेम इज राहुल, तो अब आप कहिए माय स्पाउस नेम इज राहुल, माय स्पाउस नेम इज राहुल। अब राहुल की जगह जो भी आप नाम लगाना चाहें आप लगा सकती हैं, जो भी उनका नाम हो, तो आप उन्हें स्पाउस कहिए, स्पाउस इधर आओ, चलो दो। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है ग्रूम। ग्रूम, और ग्रूम का मतलब भी होता है हस्बैंड, आप अपने पति को हस्बैंड की जगह ग्रूम कह सकती हैं। वैसे कॉमनली अगर आप गूगल गूगल पर तलाशोगे तो ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा,
लेकिन इसका मतलब हस्बैंड भी होता है। अरे दूल्हा मतलब आपके हस्बैंड ही तो हुए, ये थोड़ी जिस दिन सेहरा पहनेंगे शेरवानी पहनेंगे उसी दिन दूल्हे, बाकी दिन दूल्हे। हमारी मेंटालिटी हमें लगता है शादी वाले दिन ही दूल्हे, एक बार दूल्हे बन गए वो हमेशा आपके लिए दूल्हा ही है, आप उनकी दुल्हन है। तो इसीलिए आप अपने हस्बैंड को ग्रूम भी कह सकती हैं, जैसे आपको कहना है वो जो पान खा रहे ना 50 साल के, जो गुटखा खा के थूक रहे सारी गीले कर लिए कपड़े, वो मेरे पति है, या मेरे पति बहुत हैंडसम है, ये ज्यादा आसान लग रहा है, ये बढ़िया है, मेरे पति बहुत हैंडसम है। तो आप पहले क्या कहती थी, माय हस्बैंड इज वेरी हैंडसम, अब आप बोलिए माय ग्रूम इज वेरी हैंडसम, माय ग्रूम इज वेरी हैंडसम। तो आप शादी के बाद भी अपने पति को हस्बैंड की जगह ग्रूम बोल सकती हैं। जिस दिन आप बोलेंगे ना ग्रूम इधर आओ, है हस्बैंड तो खुश हो जाएंगे, ऐसा लगेगा जैसे घोड़ी पे आ रहे हो भाई साहब, ठीक है। तो ये बोल लेना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखे, और भैया नेक्स्ट वाला है फैमिली मैन। फैमिली मैन जरा संभल के बोलना, कभी स्पाइडरमैन बोल दो तो उल्टे लटके नजर आएंगे वो छत पे। अब फैमिली मैन, फैमिली मैन का मतलब भी होता है हस्बैंड। आप अपने हस्बैंड को हस्बैंड की जगह फैमिली मैन बोल सकती हैं, उन्हें बड़ा अच्छा फील होगा इतना बड़ी इंग्लिश सुन के। फैमिली मैन मतलब फैमिली का ध्यान रखने वाले, फैमिली के मुखिया, हालांकि ये सब तो आप हैं, आपसे ज्यादा कौन कर सकता है, कोई बात नहीं, दिल रखने के लिए बोल दो फैमिली मैन। अब जैसे आपको कहना है मेरे जो हस्बैंड है ना मेरी किचन में बहुत मदद कराते हैं बेचारे, मैं बैठी रहती हूँ कुर्सी डाल के, बर्तन धोएंगे कपड़े किचन में ही, हाथ जो भी है खाना बनाएंगे मसाला पीसेंगे सारे काम करेंगे, बहुत हेल्प कराते हैं मेरी, कुछ नहीं करने देते मुझे। तो आप कह सकती थी पहले कहती थी माय हस्बैंड हेल्प्स मी इन द किचन, मेरे पति मेरी किचन में हेल्प करते हैं। अब आप बोलिए माय फैमिली मैन हेल्प्स मी इन द किचन, ओहो आप बोलते हुए भी लगेंगी कि आप कहीं यूएस से आएंगे। तो सही है, माय फैमिली मैन हेल्प्स मी, मेरे जो फैमिली मैन है हस्बैंड है वो मेरी मदद करते हैं इन द किचन में, फैमिली मैन है, सही है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखे, और भैया नेक्स्ट वाला है हेल्प मीट। हेल्प मीट ऐसे लग रहे हैं जैसे मीत हैं आपके, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे मीत रे, जो भी। हेल्प मीट, हेल्प मीट का मतलब होता है जिंदगी के हर एक मोड़ पर साथ देने वाला, जिंदगी के हर एक काम में मदद करने वाला, कौन, आपके हस्बैंड। तो आप उन्हें हेल्प मीट बोल सकती हैं हस्बैंड की जगह। जैसा आपको कहना है मेरे हस्बैंड ने मुझे मोबाइल गिफ्ट करा है, बड़े अच्छे बेचारे, बहुत पूरी 2 महीने की सैलरी खा गई मैं उनकी, मतलब आपका हक है यार, मजाक भी नहीं कर सकता मैं। हाँ तो आप कहेंगी मेरे हस्बैंड ने मुझे मोबाइल गिफ्ट करा है, तो आप कहे, आप पहले कहती थी माय हस्बैंड गिफ्टेड मी दिस मोबाइल की जगह आप बोलिए माय हेल्प मीट गिफ्टेड मी दिस मोबाइल, माय हेल्प मीट मेरे हस्बैंड ने मेरे जिंदगी का साथ देने वाले उन्हें गिफ्टेड मी दिस मोबाइल, ये मोबाइल मुझे गिफ्ट करा है, सही है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखे, और भैया नेक्स्ट वाला है सिग्निफिकेंस फूसी। अरे ससुरा मुंह से भी ना निकल रहा, क्या बड़ा सा वर्ड है ये इंग्लिश का, अटक गया। आप प्रैक्टिस करके बोलना, मेरी तो वैसे इंग्लिश वीक है, आप प्रैक्टिस कर लेना पहले, कभी आप बोलने की कोशिश करो, बेचारे बैठे सुनते रहे क्या बोल लेंगे सिगी सिगी सिगी, तो प्लीज सही है। तो जो भी लिखा है सिग्निफिकेंट अदर, सिग्निफिकेंट अदर इसका मतलब होता है जिंदगी का आधा हिस्सा, रूह का आधा हिस्सा, जिस्म का आधा हिस्सा, कौन, आपके हस्बैंड सोहर आपके, वो सिग्निफिकेंट अदर कहलाते हैं। आप उन्हें हस्बैंड की जगह ये भी बोल सकती है, जैसे आपको कहना है आपके हस्बैंड को आपने कोई सीक्रेट पार्टी दी, सरप्राइज दिया, तो आप क्या कहना चाहती थी, मैं अपने हस्बैंड को स्पेशल फील कराना चाहती हूं, तो पहले आप क्या कह रही थी, आई वांट टू मेक फील स्पेशल टू माय हस्बैंड। अब आप बोलिए आई वांट टू मेक फील स्पेशल टू माय सिग्निफिकेंट अदर, आई वांट यानी वांट टू मेक फील स्पेशल फील कराना चाहती हूं टू माय सिग्निफिकेंट अदर। तो बहुत बढ़िया है ये हस्बैंड की जगह यूज होने वाला सिग्निफिकेंट अदर, लंबा चौड़ा भी ये जरा भरम कट जाएगा। आओ अब नेक्स्ट वाला देखे, और भैया नेक्स्ट वाला है प्रजर्व। प्रजर्व आप सुनो सुनो सुनो, बहुत बढ़िया, ये मेरा फेवरेट। प्रजर्व को आप हस्बैंड की जगह यूज कर सकते हैं, हस्बैंड को आप प्रजर्व बोल सकते हैं। अब ये शब्द आया कहां से, ये प्रजर्वेटिव से आया। प्रजर्वेटिव किसे कहते हैं पहले वो समझो, किसी भी खाने को खराब होने से बचाने के लिए उसमें प्रजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं। जो बाजार का खाना होता है वो ज्यादा दिनों तक खराब क्यों नहीं होते, दूध ज्यादा दिनों तक फटता क्यों नहीं है, वो इसलिए क्योंकि उसमें प्रजर्वेटिव्स मिले होते हैं। तो प्रजर्वेटिव्स का मतलब होता है लाइफ बढ़ाने वाला, जिंदगी को बचाने वाला, रक्षा करने वाला प्रेजर्वेटिव्स। और प्रेजर्व वो इंसान होता है जो किसी की लाइफ की रक्षा करे, जिंदगी भर उसका साथ निभाए, उसकी देखभाल करे, तो वो प्रेजर्व हुआ। तो वो कौन हुए, वो हुए आपके हस्बैंड। तो इसलिए आप हस्बैंड को बोलिए प्रेजर्व, ये मैं नहीं कह रहा, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कह रही है। तो हस्बैंड को आप प्रेजर्व भी बोल सकते हैं, ये बहुत ही बढ़िया और यूनिक सा वर्ड है, पूरा वर्ल्ड में ये यूज होता है। जैसे मुझे कहना है आपके बिहाफ पे, मैं, मेरे कोई हस्बैंड नहीं है, तो आपको जैसे कहना है मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो पहले आप
क्या कहती थी, माई हस्बैंड लव्स मी अलॉट। अब आप कहिए माई प्रिजर्व लव्स मी अलॉट, माई प्रिजर्व लव्स मी, मेरे जो प्रिजर्व है, पति देव है, लव्स मी, मुझे बहुत प्यार करते हैं, अलॉट बहुत ज्यादा। तो ये भी बोलिए, बढ़िया। आइए आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है फेलो, फेलो। अब फेलो का मतलब होता है जीवन साथी या साथी, साथ निभाने वाला, फेलो यानी कि हस्बैंड। आप अपने हस्बैंड को फेलो बोल सकती हैं, मतलब किसी भी वाक्य में अगर आपको हस्बैंड बोलना हो तो हस्बैंड की जगह आप फेलो यूज कर लीजिए। जैसे आपको कहना है मैं अपने पति का इंतजार कर रही हूं, फिर हम साथ में मॉल फिल्म देखने जाएंगे बच्चों को लेके, तो फेलो आप यहां पर फेलो बोलिए। पहले आप कहती थी आई एम वेटिंग फॉर माई हस्बैंड, अब आप बोलिए आई एम वेटिंग फॉर माई फेलो, आई एम वेटिंग फॉर माई फेलो, मैं अपने फेलो का इंतजार कर रही हूं, और जैसे ही फेलो आ जाए वहीं फैल जाओ। कहां थे तुम, इतनी लेट क्यों हो गए, जो भी जैसे भी आपका स्टाइल हो वैसे फैल जाना, अब यहां मत फैलो प्लीज। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है मिस्टर, मिस्टर। अब ये वाला जो शब्द है इंडिया में हस्बैंड के बाद दूसरा ऐसा वर्ड है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है पतियों के लिए, मिस्टर। मतलब जो महिलाएं कम इंग्लिश जानती हैं, यानी कि जिनको इंग्लिश की ना के बराबर भी नॉलेज है, वो भी अपने हस्बैंड को मिस्टर बोल देती हैं। मिस्टर, ये तुम्हारे मिस्टर है, अच्छा मेरे मिस्टर वो बैठे गंजे से जो बैठे, ओहो वो उनके मिस्टर है। तो मिस्टर, हस्बैंड को आप मिस्टर भी कह सकते हैं, कह सकती हैं। अब आप कभी भी हस्बैंड कहना मिस्टर कहिए, जैसे कि मिस्टर शर्मा कहां है, मतलब आपके कोई मिलने वाले आ गए, शर्मा जी कहां है, तो आप पहले क्या कहती थी, माय हस्बैंड इज स्लीपिंग, अब आप बोलिए माय मिस्टर इज स्लीपिंग, सनी देओल स्टाइल में बोलिए माय मिस्टर इज स्लीपिंग। अब आप मिस्टर कहीं भी लगाइए, माय मिस्टर इज स्लीपिंग, माय मिस्टर इज डांसिंग, माय मिस्टर इज कुकिंग, माय मिस्टर इज सिटिंग इन पॉटी फॉर 2 आवर्स। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है यॉक मेट, यॉक मेट। और बहुत ही कमाल का मतलब है इसका डिक्शनरीज में, यॉक मेट। यॉक मेट का मतलब होता है बच्चों के अब्बा, बच्चों के पापा, मतलब जब भी आपको कहना हो ये मेरे बच्चों के पापा है, तो यानी कि वो आपके यॉक मेट है, यॉक मेट आप बोल सकते हैं। अजीब सा वर्ड है लेकिन इसका यही मतलब होता है। अब जब भी आपको कहना हो, जैसे मैं और मेरे पति बच्चों का ख्याल रखते हैं, या मैं और मेरे बच्चों के पापा जो हैं, अब आपके पति नाम नहीं भी लेती हैं आप, वैसे तो लेते ही हैं सब, लेती हैं सब, तो आप कह सकते हैं कि पहले आप कहते थे आई एंड माय हस्बैंड टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन, लेकिन अब आप बोलिए आई एंड माय यॉकमेट टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन, आई एंड माय यॉकमेट टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन, मैं और मेरे बच्चों के अब्बा, मेरे बच्चों के पापा जो हैं, यानी कि आप उनकी अम्मा, आप उनकी मम्मी हुई, तो आपके वो यॉकमेट हुए, और आप कहिए कि हम दोनों एक बच्चों का ख्याल रखते हैं, या कुछ भी आपको कहना हो वहां यॉकमेट लगा दीजिए। चलो भाई हाथ झाड़ लो, रुक जाओ, अरे बहन जी एक मिनट बैठ जाओ, एक मिनट, अरे वो लाल साड़ी में आंटी है बैठा ला, रुक जाओ कुछ काम है आपके लिए। अब आपके लिए एक छोटा सा यूवर्क है, और यूवर्क ये है कि अब आपको जो भी आपका फेवरेट वाला वर्ड लगा, अगर आप पत्नियां हैं तो आप अपने पति को आज 12 में से कौन सा वर्ड है जो आप उन्हें पुकारना चाहेंगे उसे लेकर, अगर आप पत्नियां नहीं अभी अनमैरिड हैं तो आप कौन सा ऐसा वर्ड आपको पसंद आया जो अपने फ्यूचर हस्बैंड को आप उस नाम से पुकारना चाहेंगे, अगर आप लड़के हैं या आदमी हैं तो आप अपने पति, नहीं सॉरी कैरेक्टर पे खड़ा हो जाएगा आपका, आप मतलब अपने आपको किन नामों से पुकारवाना चाहेंगे, अपनी पत्नी से या होने वाली पत्नी से, कि वो आपको इन नामों से पुकारे। तो कुल मिलाकर सभी को अपना फेवरेट वाला वर्ड इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर छिपना है, मैं अपना हार्ट दूंगा और लाइक करके आऊंगा, सही है, ये काम जरूर कर लेना प्लीज। अब जाते जाते कमाल की नॉलेज कि मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है सरताज स्टोरी, जहां पर मैं अपनी फैमिली के साथ वीडियोस डालता हूं, प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस वीडियो को अपने फेसबुक व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर कर देना, और कहीं ग्रुप वगैरह बना रखा है व्हाट्सएप पे तो फैमिली के साथ तो प्लीज शेयर कर ही देना यार, फैमिली वीडियो है क्योंकि उनके भी काम आ जाएगी। और जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।